सिद्धाराम म्हेत्रे हायस्कूल इथं पुलवामा येथील भ्याड हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. श्री सिद्धाराम सातलिंगप्पा म्हेत्रे उर्दू हायस्कूलमध्ये शहीद जवानांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. काश्मीरमधील पुलवामा येथे दहशतवाद्यांच्या भ्याड हल्ल्यात शहीद झालेल्या CRPFच्या जवानांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी श्री अमजद अली काझी साहेब व सादिकभाई कुरेशी, वसीमभाई देशमुख, शहानवाज शेख, एजाज खलीफा, असलम शेख, आरिफ राजा तांबोळी सर उपस्थित होते. मसला हुआ यूँ कि 14 तारीख दोपहर में ये घटना घड़ी. अचानक से एक बम फूटता, उसके अंदर 40 हमारे शहीद नौजवान शहीद होते देश के. उसमें कोई किसी का बाप है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का वालिद है. छोटे छोटे बच्चे के बाप थे. बच्चे एक दिन का बच्चा, उसका बाप मुंह देखकर जाकर वहाँ शहीद होता. ये इतनी नफरत भरा हमला था हमारे देश के ऊपर, जिसकी हम कोई कल्पना नहीं कर सकते. एक एक लाश जो है 80-80 मीटर तक दूर तक जाकर गिरी. बताते हुए मेरे आंख को एक ये हो रहा, तकलीफ हो रही कि बाबा इतनी नफरत क्यों और किसके लिए, इसका हासिल क्या है. बहुत सारी चीज़, बहुत सारी बातें ऐसे हैं. हमारे इस्लाम ने तो ऐसा कहीं भी नहीं कहा है कि बाबा इस तरह का हमला किसी जगह हो और उसके हम कभी कोई मुखालिफत नहीं करें. पर न जाने क्यों इस्लाम को बार बार बदनाम करने के लिए ये चीज़ें होते जा रही हैं. कहीं ना कहीं ये चीज़ ख़त्म होना चाहिए. आज हालात देश में ऐसी है, कोई भी अपने दिल से सबसे पहले हमें जातिवाद और आतंकवाद ख़त्म करना चाहिए.